हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन्थ, अब हम लोग पार्ट नंबर फोर्थ पे आएंगे, आप लोग पीपल एज अ रिसोर्स पे, और हेडिंग आप लोग डालेंगे क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन पेज नंबर 20 पे। देखिए इसमें है ना बहुत सारा इकोनॉमिक्स की बुक में डाटाज दे रखे हैं, ग्राफ्स दे रखे हैं, ये सब पुराने हैं। ये डाटाज मैंने पहले भी आपको जब पालमपुर कराया था उसमें बताया था, ये डाटाज पुराने हैं तो अब इतने काम के रहे नहीं स्टडी के लिए, है ना। अब जैसे ये डाटा अगर 2011 तक का है, 2001 तक का है, तो वो इतना काम का या यूज़फुल नहीं है। हम लोग वही लिखेंगे, उतना ही लिखेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, काम का है और हमें समझने लायक भी है, है ना। तो मैं आप लोगों को बुक तो आप लोग खोल के रखेंगे रेफरेंस के लिए, लेकिन फिर भी आपको मैं जो लिखा रहा हूँ उतना ही आप लोगों को लिखना और समझना है। तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन लिखेंगे आप लोग, हेडिंग डालेंगे, इसमें लिखेंगे एजुकेशन एंड हेल्थ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। एजुकेशन एंड हेल्थ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्ट करने वाले सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स कौन से हैं, एजुकेशन और हेल्थ, जिनके बारे में हमने कल भी बात करी थी, है ना। फिर ट्रेनिंग भी था एक थर्ड, लेकिन एजुकेशन हेल्थ होगी तो ट्रेनिंग की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना, एक इंसान को अगर एजुकेशन हेल्थ तो टाइम से प्रोवाइड कराई जाएगी। तो पहली हेडिंग डालेंगे एजुकेशन, पहले हम एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली हेडिंग डालेंगे एजुकेशन, इसमें लिखेंगे एजुकेशन इंक्रीजेज द नेशनल इनकम, एजुकेशन इंक्रीजेज द नेशनल इनकम एंड एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस। एजुकेशन इंक्रीजेज द नेशनल इनकम एंड एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस, EFFICIENCY, एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस, GOVERNANCY। देखिए एजुकेशन क्या करता है, नेशनल इनकम बढ़ाता है, क्यों, क्योंकि पर्सन को जॉब मिल जाती है टाइम पे, अगर वो एजुकेटेड हो तो अच्छी भी जॉब मिलती है। और गवर्नेंस काम करने का तरीका, है ना, गवर्नमेंट का काम करने का तरीका भी निहारता है, क्योंकि अब उसको अच्छे ऑफिशियल्स मिलेंगे, पढ़े लिखे लोग मिलेंगे, तो काम करने की एफिशिएंसी भी सुधरेगी, तरीका भी सुधरेगा, ठीक है। फिर इसमें लिखेंगे वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन हैज बीन डेवलप्ड टू प्रोवाइड स्किल बेस्ड एजुकेशन विच लीड्स टू रेडी एम्प्लॉयमेंट। वोकेशनल एजुकेशन हैज बीन डेवलप्ड टू प्रोवाइड स्किल बेस्ड एजुकेशन विच लीड्स टू रेडी एम्प्लॉयमेंट। अब वोकेशनल एजुकेशन कौन सी होती है, आप लोगों ने सुना होगा वोकेशनल, वोकेशनल एजुकेशन वो होती है जिसमें किताबों के साथ साथ उस इंसान को जो पढ़ रहा है, जो स्टूडेंट उसको पढ़ रहा है, उसे स्किल्स भी सिखाया जाए, उसे हाथ का काम भी सिखाया जाए। किताबों की पढ़ाई अपनी जगह है, ठीक है, नॉलेज उससे वो गेन करेगा ही सही, साथ ही साथ उसे काम भी सिखाया जाए जिसमें वो हैंड्स का यूज़ करेगा, अपनी स्किल्स का यूज़ करेगा, तो वो वोकेशनल एजुकेशन होती है, जो बहुत ज़रूरी हो गई आज के टाइम पे। जैसे इंजीनियरिंग है, है ना, अब इंजीनियरिंग में आप उसको, ठीक है, किताबें पढ़ाओ 4 साल, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको जो पर्सन उसको कर रहा है वो, उसको आप प्रैक्टिकल नॉलेज भी दो, काम कैसे किया जा सकता है उसे वो भी सिखाओ, ट्रेनिंग पे सिखाओ या किसी भी तरह से स्किल उसे सिखाओ, ताकि कल के टाइम में अगर एक समय ऐसा आया कि किताबों की वैल्यू कम हो गई और हाथ की कीमत ज़्यादा हो गई कि वो कितना काम कर सकता है और कैसा कर सकता है, तो भी वो भूखा ना रहे, वो कमा सके, है ना। तो ये वोकेशनल एजुकेशन होती है और इसकी इंपॉर्टेंट डे टू डे बढ़ती जा रही है। फिर और आप लोग अगली हेडिंग डालेंगे एजुकेशन सिनेरियो इन इंडिया, एजुकेशन सिनेरियो इन इंडिया, EDUCATION, एजुकेशन सिनेरियो, SCENARIO इन इंडिया, ठीक है। इसमें लिखेंगे लिटरेसी अमंग मेल्स इन इंडिया, इन इंडिया लिटरेसी अमंग मेल्स इज नियरली 16.16% हायर देन फीमेल्स एंड इट इज ऑल्सो अबाउट 16.1% हायर इन अर्बन एरियाज एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज। अब देखिए एजुकेशन सिनेरियो में आपको इंडिया का बता रहा हूँ, ये बताने की कोशिश हम करेंगे कि मेल और फीमेल में, और अर्बन और रूरल, रूरल यानी कि गांव, अर्बन यानी कि शहर, यानी कि रूरल यानी कि गांव में कितना अंतर आता है, मेल फीमेल में भी अंतर आएगा और शहर में और गांव में भी अंतर आएगा एजुकेशन के लेवल को लेके। तो 16.6% हायर तो है मेल में, यानी कि 16.6% ज़्यादा मेल पढ़े लिखे हैं इंडिया में एज कम्पेयर टू फीमेल, और 16.1% हायर है अर्बन एरिया में, शहरों में लोग पढ़े लिखे हैं एज कम्पेयर टू गाँव, है ना, रूरल एरिया में। तो इसमें आप लोगों को ये लिखना था, इन इंडिया लिटरेसी अमंग मेल्स इज नियरली 16.6% हायर देन फीमेल्स एंड इट इज ऑल्सो अबाउट 16.1% हायर इन अर्बन एरियाज एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज, रूरल इसमें RURAL, ठीक है। फिर अगली लाइन लिखेंगे इसमें, देयर इज ऑल्सो वाइड वेरिएशन इन लिटरेसी रेट, देयर इज ऑल्सो वाइड वेरिएशन इन लिटरेसी रेट अमंग द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द कंट्री, देर इज ऑल्सो वाइड वेरिएशन, VARIATION, वाइड वेरिएशन इन लिटरेसी रेट्स अमंग डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द कंट्री। डिफरेंट स्टेट्स में भी वेरिएशन आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल देर इज अबाउट 94% लिटरेसी इन केरला एंड 62% इन बिहार,
देयर इज अबाउट 94% लिटरेसी इन केरला एंड 62% इन बिहार. केरला में 94% लिटरेसी है, लगभग 100 में से 94 लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन बिहार में हम जाते हैं तो ये 62% पर जाती है. तो स्टेट्स के स्टेट्स में बहुत डिफरेंसेस आ रहे हैं, मेल फीमेल में डिफरेंस आ रहे हैं और गांव और शहर में डिफरेंस आ रहे हैं, है ना, ये हम लोगों ने पढ़ा. फिर आप लोग लिखेंगे गवर्नमेंट स्टेप्स टू प्रोवाइड एजुकेशन टू ऑल. अगली हेडिंग डालेंगे गवर्नमेंट स्टेप्स टू प्रोवाइड एजुकेशन टू ऑल. गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लाई ताकि एजुकेशन सब तक पहुँच सके. पहला पॉइंट लिखेंगे द प्राइमरी स्कूल सिस्टम, द प्राइमरी स्कूल सिस्टम हैज़ एक्सपेंडेड टू ओवर 7.68 लाख इन 2004-05 इन इंडिया. द प्राइमरी स्कूल सिस्टम हैज़ एक्सपेंडेड EXPANDED एक्सपेंडेड टू ओवर 7.68 लाख इन 2004-05 इन इंडिया. 2004-05 की बात है, अब डाटा ये पुराना है तो हमको ये लिखना पड़ेगा. 7.68 लाख, लगभग 7.5 लाख प्राइमरी स्कूल गवर्नमेंट ने खोले हैं, है ना, फिफ्थ तक के, है ना, सरकारी स्कूल खोले हैं, लोगों को उसमें शिक्षा दी है, सरकारी स्कूल गवर्नमेंट ने खोले हैं. सेकेंड आप लोग लिखेंगे गवर्नमेंट इनिशिएटिव और सर्व शिक्षा अभियान, सॉरी गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव INITIATIVE गवर्नमेंट इनिशिएटिव ऑफ सर्व शिक्षा अभियान SARVA सर्व शिक्षा SHIKSHA शिक्षा अभियान ABHIYAN सर्व शिक्षा अभियान एम्स एट प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 years टू ऑल Providing elementary education to all children in the age group 6 to 14 years. Elementary ELEMENTARY ठीक है, हर 6 से 14 साल तक के बच्चे के पास एजुकेशन फ्री में प्रोवाइड कराया जा सके. ये आपका सर्व शिक्षा अभियान था जो गवर्नमेंट ने चलाया और आज भी चल रहा है ना, कि हर 6 से 14 साल के जो बच्चा होगा उसे फ्री में एजुकेशन सरकारी स्कूल में मिलेगी. इसके अंदर गवर्नमेंट ने मिड डे मील स्कीम लाया ताकि वो लोग स्कूल तक पहुँचे, इस आशा में ही पहुँचे कि हमें 2 समय का 1 समय का खाना मिलेगा. अब तो नाश्ता ही मिलने लग गया, सुबह का दूध भी मिलने लग गया, है ना. तो गवर्नमेंट ये सब क्यों करती है, ताकि एक उस आशा से ही पहुँचेंगे, ठीक है हमारा बच्चा कम से कम वहाँ भोजन के लिए, देखिए मैं इनको भोजन के लिए भेज देंगे. लेकिन एक ये भी कारण रहता है मिड डे मील स्कीम का कारण, गवर्नमेंट के 2 कारण थे, एक तो वो इनकरेज करेंगे बच्चों की एजुकेशन को, पेरेंट्स भेजेंगे, दूसरा उनको नरिशमेंट अच्छा मिलेगा, है ना, वो घर पे क्या खाते हैं वो एक बार खाएंगे रात को, है ना, और दिन तक का नरिशमेंट. आप जैसे गवर्नमेंट ने इसमें मिल्क भी चालू कर दिया क्योंकि मिल्क को प्रोटीन का बहुत बड़ा स्रोत माना जाता है, कैल्शियम का बहुत बड़ा स्रोत माना जाता है, तो गवर्नमेंट ने बच्चों को भी देना चालू कर दिया गवर्नमेंट स्कूल्स में. और मिड डे स्कीम दिन का खाना तो मिलता ही है काफ़ी टाइम से, है ना. अगला पॉइंट इसमें ये लिखना है आप लोग, मिड डे मील स्कीम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड टू इनकरेज अटेंडेंस एंड रिटेंशन ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एंड इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस. तो मिड डे मील स्कीम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड IMPLEMENTED encourage attendance and improve ये बीच की लाइन काट दीजिएगा, रिटेंशन ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हटा दीजिए इसको, है ना, अटेंडेंस एंड इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस NUTRITIONAL न्यूट्रिशनल स्टेटस उनका बढ़ाना था और अटेंडेंस भी बढ़ानी थी उनकी, इस वजह से मिड डे मील स्कीम लाई गई. फिर ये पॉइंट्स खत्म हो गए, अगले आप लोग पैराग्राफ लिखेंगे The 12th 5-year plan aims to increase the enrollment in higher education. The 12th 5-year plan aims to increase the enrollment, ENROLLMENT, enrollment in higher education of the 18 to 23 year age group, 18 to 23 year age group to 25.2% by 2017-18 and to reach the target of 30% इन 2020-21. देखिए 2021-17-18 क्या है, ये ऐसे लिखना है आप लोगों को, जैसे मैं 2021 बोल रहा हूँ, है ना, इसका मतलब ये होता है गवर्नमेंट एक साल का टारगेट लेगी ना, 2020 से 2021. क्योंकि साल चालू कहाँ से होता है गवर्नमेंट का, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च. तो 1 अप्रैल 2020 को चालू हुआ तो खत्म तो 31 मार्च 2021 को होगा ना, इसलिए साल चेंज हो जाता है ना. ये कोई कंफ्यूजन का बहुत बड़ा मैटर ना माने इसे आप, 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 ऐसे, ठीक है, इसलिए वो 17-18-2020-21 ऐसे आ रहा है, ठीक है. तो गवर्नमेंट का टारगेट क्या था, 12th 5-year plan जो गवर्नमेंट के 5 साल के प्लान आते थे अब बंद हो गए, लास्ट टाइम 2012 में आया था, उसमें गवर्नमेंट ने टारगेट किया कि हायर एजुकेशन, हम 12th की बात करें तो बहुत बच्चे गाँव में
खासकर है ना, 12th के बाद की पढ़ाई छोड़ दे देंगे, पढ़ लिया बहुत है स्कूल है ना, अब क्या कॉलेज में जाना। लेकिन गवर्नमेंट उसको इनकरेज करने के लिए बोला कि 25.2% हम लोग करेंगे 2017-18 तक हमारा टारगेट है, और 2020-21 जो अब आ चुका है, जब तक हमारा कितना टारगेट है 30% का है ना, 30% हमें वो पहुँचाना है कि 10 में से 3 बच्चे तो कम से कम हायर एजुकेशन के लिए पढ़ें है ना, ग्रेजुएशन करें। ठीक है, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह खोल रखे हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का एजुकेशन पूरा हो जाता है इसी के साथ। अगला टॉपिक है हेल्थ, उसे हम लोग पार्ट नंबर 5th में करेंगे। ठीक है, एजुकेशन कैसे गवर्नमेंट इसमें सहायता कर रही हो, कैसे ये एक बहुत बड़ा क्वालिटी का इशू है, तो हमने कल ही पढ़ लिया था, मतलब कल क्या मतलब पहले वाले पार्ट्स में पढ़ लिया था कि कैसे वो साकल और विलास की स्टोरी में समझा था, कैसे एजुकेशन ने तो एक को बहुत आगे कर दिया और एक के एजुकेशन और हेल्थ ने उसे पीछे रहने दिया। तो इसकी इंपॉर्टेंस मैंने पढ़ी, गवर्नमेंट कैसे इसको बढ़ावा दे रही है। हेल्थ हम लोग अगले पार्ट में करेंगे। सो थैंक यू।